ये विक्रम बन्ना का एक छोटा मिनिएचर है फॉर्चुनर का, और इसी का बड़ा फॉर्मेट है ये। मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज है हमारा इस ट्रिप का पांचवा दिन, और अभी हम लोग दो गाड़ियों से निकल रहे हैं लोकल ले घूमने। एक गाड़ी संजय जी की और दूसरी विक्रम जी की, उसी में हम लोग सब अकोमोडेट होंगे और लोकल घूमेंगे, क्योंकि ज्यादा गाड़ियां ले जाना मतलब वहां पे ट्रैफिक में फंसने वाली बात है। और ये हमारी सवारी सब तैयार है क्यों जी? निकल गए हैं, सबसे आगे विक्रम बन्ना लीड कर रहे हैं, बीच में 426 वाले भाई ने बाइक ले ली है, उनका जोश अभी बिल्कुल बरकरार है। रात को इतना नाचा भाई, इतना नाचा बस पूछो ही मत। तो भाई आज हम सबसे पहले आए हैं शांति स्तूप में, ये उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, पढ़ने का तो अभी टाइम नहीं है। ये उसकी एंट्री है और शायद 30 रुपए की टिकट है। ये इतनी हाइट से सामने का मौसम देखो भाई, क्या शानदार मौसम हो रखा है। वो देखो पूरी पहाड़ियों के ऊपर धुंध ही धुंध हो रखी है। और ये रहा शांति स्तूप। भाई ऊपर इतनी जबरदस्त हवा चल रही थी, इतनी जबरदस्त ठंडी हवा, मतलब मैं तो क्या गाड़ी में गर्मी लग रही थी, इसने जैकेट उतार दी और ऊपर तो ऐसे एकदम, ये देखो बाल देख रहे हो मीनू के कैसे उड़ रहे हैं, भाई गजब हवा चल रही है। तो अब आए जोरावर फोर्ट। भाई हॉल ऑफ फेम गए थे, वो बंद था 12:30 से 2:30 तक शायद ब्रेक रहता है, तो इसलिए अब हम आ गए जोरावर फोर्ट। उसके बाद जाएंगे मार्केट और उसके बाद 2:30 बजे के बाद जाएंगे वापस से हॉल ऑफ फेम। भाई यहाँ बारिश आ गई इसलिए यहाँ का कैंसिल कर दिया, अभी बाद में जब बारिश रुक जाएगी तब वापस जाएंगे, क्योंकि अंदर सब ओपन ही है इसलिए भीग जाएंगे, तो सब फैमिली वाले भी हैं, बच्चे भी हैं छोटे अपने साथ, बाद में वापस आएंगे। ये है भाई लेह की मॉल रोड, और ये यहाँ की लोकल मार्केट में सब शॉल वगैरह और यहाँ के डेकोरेटिव आइटम्स, ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ों की दुकानें हैं। ये सामने भाई जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद ऑफ लेह लद्दाख, और देखो बिल्कुल टोटल स्ट्रक्चर का डिफरेंस देखो, मतलब बिल्कुल ही अलग, पूरा वुडन कार्विंग का काम हो रखा है, बहुत ही शानदार। तो भाई अभी हम आए हैं ये किसमें, जर्मन बेकरी बोधिसत्व में आए लंच करने के लिए, और यहाँ बैठ के आज चाइनीज वाइनीज और ये सब जो भी मिलेगा वो कहेंगे। तो भाई इस मॉल रोड पे हमने क्या बेकरी प्रोडक्ट्स खा लिए, जिन भाई लोगों को बेकरी प्रोडक्ट्स और ये तुपका उपका चाइनीज मोमोज पसंद है ये सिर्फ उनके लिए, भाई रोटी सब्जी वालों के लिए यहाँ कुछ भी प्रॉपर है नहीं। ये सब ऊपर ही देखो शेफ्स किचन और ये बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, जिलाज किचन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट वो प्रॉपर रोटी सब्जी टाइप के ऑप्शंस नहीं है, बेकरीज हैं और ये सब मोमोज और चाइनीज और इटालियन ये सब चीज़ें अवेलेबल है। ये शायद यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं भाई, और यहाँ पे एक वो आंटी हैं वो बना रही हैं हाथ से कढ़ाई कर रही हैं, ये बना रही हैं। ये भाई हॉल ऑफ फेम आ गए हम लोग वापस से एक बार, और ये टैंक खड़ा है ट्रूप्स टैंक। तो भाई हॉल ऑफ फेम की हमने टिकट ले ली है, अगर अपने को दोनों चीज़ देखनी है म्यूजियम और साउंड शो, लाइट एंड साउंड शो, तो 250 रुपये है खाली म्यूजियम, 125 रुपये। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए इंटरेस्ट की, ये टिकट है अपने म्यूजियम की। ये भाई लद्दाख की हिस्ट्री पूरी इस पर लिखी हुई है, और सामने उसकी ज्योग्राफी के बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या लद्दाख के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब आप प्रॉपर यहाँ पे रुक के पढ़ सकते हो उसके बारे में। ये सब यूटेंसिल्स लगा रखे हैं डिस्प्ले में, मतलब ये डोल टोक बोलते हैं स्टोन कुकिंग पॉट्स को, डुल्लू बोलते हैं, मारलुक है, शादम वाटर बॉटल, ये वाटर बॉटल्स हैं। ये सारे यहाँ के पासेस हैं, जोजिला, नकीला, फोटुला, ये तीन तो कल हमने कर लिए हैं, और लाचुंगला, खारदुंगला, चांगला, उर्मिंगला, बारालाचाला और रोहतांग पास। इसमें से रोहतांग तो हमने बहुत पहले किया हुआ है, अभी परमिशन लेके जाना पड़ता है, बाकी देखते हैं इस टूर में हमारे कितने और कवर होते हैं। ये भाई सामने जो है ना ये ड्रेसेस लगा रखे हैं, ईस्ट लद्दाख की ड्रेसेस हैं, ये यहाँ के वॉरियर की ड्रेस है जो यहाँ के लड़ाका पहनते हैं, और ये वेस्ट लद्दाख की ड्रेस का पैटर्न दिखा रखा है। ये जनरल जोरावर सिंह का स्टैचू लगा हुआ है, और ये उनके बारे में लिखा हुआ है, जिनका अभी जोरावर फोर्ट गए थे ना हम लोग, बारिश हो गई थी तो हम वापस आ गए, ये सब लिखा हुआ है।
ये भाई जो मिसाइल भेजी थी ना, ये नवाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम ने कहा था कि मुझे रवीना टंडन बहुत पसंद है, उसको भेज दो तो वॉर बंद हो जाएगा। तो हमारी इंडियन आर्मी ने ये मिसाइल भेजी थी रवीना टंडन का नाम लिख के, फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। ये सब वो वेपन्स डिस्प्ले में लगाए हुए हैं जो भाई पाकिस्तान से कैप्चर किए हुए हैं अपन ने युद्ध में। ये सब ये चाइनीज़ वाले लगाए हुए हैं, चाइनीज़ वेपन्स 1962 की वॉर में जो अपन ने कैप्चर किए थे। ये लगा रखे हैं पाकिस्तानी मशीन गन्स 1965 की वॉर में जो कैप्चर करी थी। और ये लगा रखी हैं लास्ट में पाकिस्तानी रॉकेट लॉन्चर जो कारगिल वॉर में अपन ने कैप्चर किए थे। ये है पाकिस्तानी मीडियम मशीन गन, ये भी कारगिल वॉर के टाइम में ही कैप्चर करे थे। ये सब यहाँ पे जितने भी लड़ाई हुई उनके बारे में सब बताया गया है। और ये है बैटल ऑफ रिजांगला, जहाँ पर मेजर सत्यान सिंह की कंपनी में कितने यादव थे, 13 कुमाऊं में जो यादव थे वो सब वहाँ पे शहीद हो गए थे और उनका वहाँ पे एक मेमोरियल बनाया हुआ है। ये बनाया हुआ है भारत माता की जय। ये देखो ग्लेशियर की पोस्ट भाई साहब, यहाँ पे बर्फ, मतलब यहाँ पे रहना है आम आदमी के लिए तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और ये क्या है कि ना आर्मी के मतलब वहाँ पे इतना टेम्परेचर लो होता है कि उनकी छाती में पानी भर जाता है, तो फिर वो इसमें पोर्टेबल एल्टीट्यूड चैम्बर में उनको लेटा देते हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के थ्रू उनको ऑक्सीजन देते हैं और 30 डिग्री इसको रेज कर देते हैं। फिर जब वो ठीक फील करने लगते हैं तो यहाँ से इशारा कर देते हैं जो बीच में, ये ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा और ये स्ट्रेचर विद स्की अटैचमेंट। ये अपने इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के छोटे मॉडल्स हैं, अलग अलग हेलीकॉप्टर्स के। सुबेदार सोनम स्तोपदान भाई, यहाँ पे होता है साउंड एंड लाइट शो। और ये सामने का आप वेदर देख रहे हो ना, क्या शानदार वेदर हो रहा है, मतलब देखो मज़ेदार वेदर। और ये सामने वॉर मेमोरियल और उधर धूप है, उधर पूरी धूप है और दूसरी साइड पूरी फॉग थी। तो भाई घूम फिर कर आ गए थे होटल में, आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अपन जो कल ऑफ रोडिंग के लिए जहाँ गए थे ना वहाँ पे अपनी नंबर प्लेट पीछे का ये पूरा सब ताम झाम निकल गया था, तो मिल गया, वापस जाके ढूंढने पे मिल गया। इसलिए अभी देखते हैं इसको वायर टाई से बांधेंगे। और आज अपनी गाड़ी लेके ही नहीं गए थे, आज हम संजय जी के एंडीवर में चले गए थे क्योंकि दो लंबी लंबी गाड़ियों को कहाँ पार्क करते, इसलिए एक में एकोमोडेट होकर हम लोग चले गए थे। ये भाई दीवानशु का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि अपने क्लब का उसूल है कि अगर ट्रिप में किसी का भी बर्थडे आता तो उसको थैंक यू ऑल, यू मेड माय डे स्पेशल। और ये पहला बंदा है आरसी जोधपुर का जो इतने लंबे ट्रिप पे आया, ये वीडियो जा रहा है आरसी जोधपुर में। भाई कल सुबह निकलना है टाइम से, इसलिए आज जल्दी फटाफट खाना वाना खाया और फ्री हो गए। और आज दिन भर सिर्फ लेक ही लोकल जो साइट सीइंग थी, लोकल जो चीजें थी वही देखी। कल सुबह निकलेंगे यहाँ से नुब्रा के लिए, रास्ते में पड़ेगा खारदुंगला, वहाँ पे शायद स्नो मिलने के चांसेस हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।